हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुरली फ्रॉम सिमेज कॉलेज एंड अब मैं एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और ये वीडियो सीरीज होगी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। लास्ट भी मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं, आई होप कि आपने उसे देखा होगा। लेकिन अब जो ये वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ, ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आए स्टूडेंट्स के, उसके बेसिस पे मुझे लगा कि नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग की अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए स्टूडेंट्स के बीच। एक्चुअली क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जब किसी से भी बात करो कि क्या क्लाउड को आप समझते हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग आप समझते हैं, तो एक कॉमन आंसर आता है कि हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग हम समझते हैं, यूज भी करते हैं। क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा स्टोरेज, जहां पे हम अपना डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल, पिक्चर, वीडियोस रखते हैं, वो है क्लाउड। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या क्लाउड सिर्फ डेटा को रखता है, डेटा को स्टोर करने की जगह है सिर्फ क्लाउड, जिस डेटा को हम जो है वो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं विद सिक्योरिटी, या और भी बहुत कुछ? दरअसल में और भी बहुत कुछ है। तो ये जो एक कॉमन सा आंसर है, इसका एक प्रॉपर आंसर और पूरा कॉन्सेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का मैं अपने अब इस वीडियो सीरीज में दूंगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, जहां मैं सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस करूंगा। ग्रेजुअली हमें जाना है AWS तक, जिस AWS में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट उसके सर्विसेज को समझेंगे, उसे यूटिलाइज करेंगे। लेकिन AWS जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन की इन सर्विसेज को समझने के लिए जरूरी है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को पहले समझें। तो अभी हम समझते हैं कि आखिर ये क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। फाइन, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि सिर्फ डेटा स्टोरेज के नाम से जानी जाती है कॉमनली, वैसे सारे लोगों का आंसर ऐसा नहीं होता, कुछ लोग बड़े ही इंटरेस्टिंग आंसर देते हैं, बट क्लाउड कंप्यूटिंग आईटी से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के हेल्प से आप आईटी रिलेटेड, एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होने वाले सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं, और इन सारी चीजों को प्रोवाइड करता है कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब है कि ये चीजें आप कितनी यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसके यूटिलाइजेशन की जो बात आती है, तो इसमें एक कॉमन टर्म है, उस टर्म को आप माइंड में रखें कि पे एज यू गो। जैसा आप पेमेंट करेंगे, जैसी आप सर्विसेज लेंगे, वैतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा एंड आप उतने सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में किसी और ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपने डेटा को रखना, अपनी बाकी चीजों को रखना, क्या सही है, क्या ये चीप है, सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा, ऐसे ऐसे ढेर सारे बातें आती। तो ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा ग्रेजुअली, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया कि हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी चीजें, अब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या, तो उसमें आता है कि फाइन, हम डेटा को स्टोर करते हैं, सबसे पहले मैं डेटा की ही बात कर रहा, डेटा को स्टोर करते हैं तो स्टोरेज, अब स्टोरेज कॉम्पोनेंट भी मिल जाएंगे आपको, लॉजिकल स्टोरेज मिलेगा जहां आप यूज कर, जहां पे आप ढेर सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसे अपने नीड के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपने सिस्टम के स्टोरेज को मैनेज करते हैं। ये तो स्टोरेज, लेकिन इसके अलावे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई सर्वर मशीन लगाना चाहते हैं तो आप सर्वर मशीन परचेज कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर। आपके पास में अगर मल्टीपल सर्वर का कॉन्सेप्ट है तो मल्टीपल सर्वर ले सकते हैं। उन सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन का हकीकत देखें तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जितनी नीड है उतनी आप डिमांड कीजिए, उतना आप पे कीजिए, वो सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। उन सर्वर्स के बीच में प्रॉपर नेटवर्क मिलेगा आपको, फास्ट एक्सेसिंग मिलेगी आपको। ये तो बात कर रहा हूँ मैं सर्वर्स की, हाँ मैं कॉमनली बात कर रहा हूँ बिकॉज ये इंट्रोडक्शन सेशन है। इसके अलावे आप अगर चाहते हैं कि नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाला कोई एप्लीकेशन भी उधर क्लाउड पे ही रन करे, हम सिर्फ उसका इंटरफेस एक्सेस करें, फाइन, एप्लीकेशंस भी रन होंगे। एप्लीकेशन बल्कि रन ही नहीं होंगे, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, क्लाउड ही उस एप्लीकेशन को डेवलप करके मुझे दे दे,
और मैं उतने ऑर्गेनाइजेशन में उसे यूटिलाइज करूं, फाइन, वो भी फैसिलिटी मिलेगी। और इस तरीके से आपके माइंड में जैसा भी कॉन्सेप्ट आ रहा है वो सारी चीजें प्रोवाइड करने को तैयार है आपका क्लाउड। अब क्लाउड ये सारी चीजें जब प्रोवाइड करता है तो क्या हम इन चीजों को अगर खरीद के खुद से करने लगे तो पता चलेगा, एक तो परचेज कॉस्ट बहुत हाई आ रहा है आपका, दूसरी बात उसके मेंटेनेंस में बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं, आपको इंजीनियर्स हायर करने पड़ेंगे, आपको अपने डेटा की सिक्योरिटी का ख्याल रखना होगा। ये सारी चीजों, सारी परेशानियों को खत्म कर देता है आपका क्लाउड। वो हाई सिक्योरिटी के साथ आपके सारे डेटा, सर्वर्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर जो कह लें, उन सारी चीजों का ख्याल रखता है और आपको काफी फास्ट एक्सेसिंग प्रोवाइड करता है। हाँ, एक डिपेंडेंसी जरूर होती है, वो डिपेंडेंसी होती है इंटरनेट कनेक्टिविटी। वो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, फाइन। अब तो जब ये क्लाउड सर्विस की बात आती है तो एक माइंड में ख्याल आता है कि आखिर ये सर्विस प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है। अगर किन्हीं से भी पूछो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने वाली कौन, तो कुछ दो तीन नाम फट से जुबान पे आते हैं। उसके अलावे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनमें से कुछ के लिस्ट मैंने तैयार किया, उसे देखिए आप प्लीज। यहाँ पे जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है वो है सबसे पहली AWS Amazon Web Services, सेकेंड वन है Microsoft Azure, थर्ड वन है Google Cloud Platform, यानी कि जिसको बोलते हैं हम GCP या सिंपल Google Cloud, और इसके बाद IBM Cloud, Oracle Cloud, Alibaba Cloud, Red Hat, Heroku, DigitalOcean, Cloudflare, Linode, Cloudways, Rackspace, ऐसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इसमें से ये जो फर्स्ट थ्री नेम आपको दिखाई दे रहे हैं, हाँ, ये फर्स्ट थ्री नेम, ये नेम बड़े ही इंपॉर्टेंट है, दिस वन एंड दिस वन। इनकी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में सबसे पहले जो आपका फर्स्ट है Amazon Web Services, अभी वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे टॉप ऑर्गेनाइजेशन आपकी AWS है, सेकंड पोजीशन बनाए हुए है अपना Microsoft Azure, एंड थर्ड पोजीशन पे है Google Cloud Platform, यानी कि GCP, फाइन। तो ये कुछ बातें थी क्लाउड के बारे में। अब मैं अपनी अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्लाउड में एक कॉन्सेप्ट आता है डेटा सेंटर, तो डेटा सेंटर क्या है, फाइन। सो थैंक्स फॉर दिस इंट्रोडक्शन सेशन, प्लीज वॉच माई वीडियोज रेगुलरली, ऑल नेक्स्ट वीडियोज विल बी रिलेटेड टू द क्लाउड। Okay, so fine. Thank you. Thank you very much.